हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक। तो इसमें हम लोग फर्स्ट इकाई देख चुके थे और फर्स्ट इकाई में था आपका विविधता। उसमें दो चैप्टर थे, विविधता की समझ और दूसरा चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव। दोनों चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके। अगर आपने नहीं देखे हैं वो, तो एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है। यह है दूसरी इकाई हमारी। दूसरी इकाई में हम लोग बात करेंगे इस सरकार के बारे में। सरकार के बारे में बात करेंगे तो लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। एक कथन है आर के लक्ष्मण का, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, सरकार क्या है, सरकार क्या है, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर होगा हमारा कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। सरकारों के अधिकार की रक्षा, बाढ़ पीड़ितों की और ओर से सामग्री, राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और अधिक न्यायाधीश, सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15 हजार से अधिक गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये नाम आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, सरकार सरकार। तो आखिर है क्या सरकार? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है, तो जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग होता है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय रेल। सरकार के स्तर, जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है।
राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के काम कैसे बारे में जानेंगे। तो ये है आपका मैथ भारत और पड़ोसी, वो आपका यहाँ पीओ के वाले हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा लगती है और ये पाकिस्तान है आपका, गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान से, राजस्थान की सीमा भी लगती है, पंजाब की और जम्मू कश्मीर की, ठीक है। ये है आपका चीन, ठीक है, क्या है चीन, यहाँ आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद नेपाल, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है आपका। सिक्किम याद रखिए चीन से भी सीमा लगती है, नेपाल से और भूटान से। ये आपका म्यांमार है, सबसे ज़्यादा आपकी सीमा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, बिहार है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है ये बीच में आपका, यही छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और तेलंगाना है ये आपका, ये महाराष्ट्र है, गुजरात देख ही लिए, ये कर्नाटक है, यही गोवा है, ये आंध्र प्रदेश है और ये केरल है आपका और ये तमिलनाडु है। ये न्यू मूरे द्वीप है भारत का यहाँ, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, या नाम पुडुचेरी है यहाँ, ठीक है, ये पुदुचेरी है, करियाल पुदुचेरी, ये श्रीलंका है आपका, ठीक है, ये हिंद महासागर है पूरा, लक्षद्वीप, माहे, पुडुचेरी, ये द्वीप है, ये दमन द्वीप है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है पूरा यहाँ, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो याद रखिए एक करक रेखा है जो मध्य प्रदेश, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से कई बार पूछा जा चुका है ये, तो ये गुजरात से भी गुजरती है, देखिए यहाँ राजस्थान से इसका थोड़ा सा भाग लग रहा है, यहाँ से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये आपका मालदीव है यहाँ, ठीक, तो ये हमारे प्यारा भारत। आगे बात करते हैं, ये आपके शहर होंगे, ठीक है, मध्य आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना, जब से 29 हो गए थे, लेकिन अभी 2019 में अक्टूबर में, एक अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अब 8 आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, ठीक है। सरकार एवं कानून की बात करते हैं, सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को बेकानून मानने पड़ते होते हैं, केवल यह तरीका है कि जिस सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए ये कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कल्याण के किसी नौकरी में कल्याण कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाए जाएं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने
और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, तो राज्य सरकार की सरकार के विकास, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रकार किस प्रकार की सरकार है, कि लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक? तो बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। जैसे भारत में, भारत एक लोकतंत्र है। भारत में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, जनता का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्रयापितिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? आपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि आम आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उससे गरीब गरीब आदमी होने का गुनाह किया। सरकारों में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया है और अंग्रेजों ने इसे साफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। साफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं?
है, एक क्वेश्चन है यानी देख लेना। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर, सरकार क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य तत्व।